हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जिस स्टॉक को आज हम एनालाइज करने वाले, इस स्टॉक में कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक के ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देखने को मिला, जो कि 2340 रुपीस का लेवल था, जिसके बाद स्टॉक में 2740 रुपीस तक के लेवल ऊपर में देखने को मिले हैं। और इसके साथ कल के ट्रेडिंग सेशन में 5% तक की रैली स्टॉक में इस ब्रेकआउट के बाद देखने को मिली है। इसके साथ स्टॉक में पिछले 2 डेज से लगातार वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5 मिलियन से ज्यादा वॉल्यूम कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें जुड़ता हुआ दिखाई दिया। अब इस प्रीवियस हाई के ब्रेकआउट के बाद हमें जल्दी 3200 रुपीस से ज्यादा मूव देखने को मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के स्टॉक के चार्ट को थोड़ा डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। इसमें हमारे लिए कौन से रहेंगे, कहां पर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। स्टॉक में गाइस जो हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल था 2340 रुपीज का लेवल था, इस ब्रेकआउट के बाद गाइस हमें 2740 रुपीज तक के लेवल ऊपर में कल ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल चुके हैं। अब इस रेसिस्टेंट के ब्रेकआउट के बाद समय जो टारगेट देखने को मिलेंगे स्टॉक के प्रीवियस सपोर्ट लेवल से लेकर ऊपर में स्टॉक के अब तक के रेसिस्टेंट लेवल तक देखे, तो कैसे वजह टारगेट देखने को मिलेंगे 47% तक के टारगेट आने वाले दिनों में फिर से देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक के प्रीवियस हाई से लेकर ऊपर में लॉन्ग पोजीशन पुल की मदद से अपने 47% के टारगेट देखे, तो कैसे जो टारगेट देखने को मिलेंगे इसके बाद 3450 रुपीज तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कल ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक कुछ परसेंट का टारगेट ऑलरेडी हिट कर चुका है। हमारे जो स्टिल पेंडिंग लेवल्स रह चुके हैं स्टॉक के करंट लेवल से लेकर देखें, तो वैसे 36% के टारगेट अभी हमारे पेंडिंग्स हैं, जो कि आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। और इसमें जो गाइस हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस में काफी छोटा सा है, 11% के करीब आ रहा है। 2250 रुपीज का लेवल रहेगा। अब इस न्यू ब्रेकआउट के बाद गाइस हमें जल्द इस स्टॉक में 3450 रुपीज तक का लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टॉक में छोटा सा ऐसा लगा का 2250 रुपीज के लेवल का स्टॉक में आने वाले दिनों 3000 से लेकर ऊपर 3460 रुपीज के टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। इसमें जो गाइस हमारी एनालिसिस है आने वाले 1 मंथ से लेकर 3 मंथ के बीच में ये लेवल से देखने को मिल सकते हैं। तो आज के वीडियो में गाइस बस इतना ही। आई होप गाइस आज की जो हमारी एनालिसिस थी पसंद आई होगी। गाइस वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।